हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज लुपिन को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लुपिन ये वेब सीरीज कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। इस सीरीज में टोटल 5 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के आसपास का है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी अजान की, जिसके साथ कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा नाइंसाफी करी है और इस नाइंसाफी का बदला लेने के लिए वो एक हीरे का हार चुराने वाला है। तो क्या अजान यह हार चुरा पाएगा और अजान के साथ क्या हुआ है और किसने किया है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक ही है, मतलब इस सीरीज में काफी कुछ अच्छा भी है तो काफी कुछ खराब भी है। चलो पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। तो ये सीरीज अपनी मिस्ट्री को काफी अच्छे से होल्ड करके रखती है और हमें एंड तक इंगेज भी करके रखती है, और ये चीज मुझे इस सीरीज की काफी अच्छी लगी, क्योंकि इस सीरीज की मिस्ट्री इतनी अच्छी तो है ही कि हम एंड तक क्यूरियस रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज का लगभग हर एक ट्विस्ट हमें इस सीरीज से और भी ज्यादा कनेक्ट कर देता है। और जिस तरह की मिस्ट्री अजान के कैरेक्टर के आसपास बिल्ड की गई है और उस मिस्ट्री को जिस तरह से अनफोल्ड किया गया है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। और अजान के कैरेक्टर को इतने अच्छे से तो डेवलप किया ही गया है कि हम उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन अगर हम अजान के कैरेक्टर को हटा दें तो इस सीरीज में किसी भी कैरेक्टर को इतने अच्छे से डेवलप नहीं किया गया कि हम उसके साथ कनेक्ट हो पाएं। और कुछ चीजें इस सीरीज में ऐसी होती हैं जिस पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पाता। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में, लेकिन मैं वो आपके साथ डिस्कस करके आपके लिए ये सीरीज स्पॉइल नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ इसके म्यूजिक की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस सीरीज का म्यूजिक मुझे काफी अच्छा लगा। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, स्पेशली जिन्होंने अजान के कैरेक्टर को प्ले करा है उनका काम मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उन्होंने सच में मजा ला दिया है, इतना ज्यादा अच्छा काम किया है उन्होंने। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो मुझे इस सीरीज का काफी ज्यादा अच्छा लगा, स्पेशली मुझे डायरेक्शन का स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अगर हम एडिटिंग की बात करें तो इस सीरीज की एडिटिंग भी काफी अच्छी है, और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि एक ठीक ठाक टाइम पास सीरीज है जिसे आप एक बार तो देख ही सकते हो, इसलिए मुझे इस सीरीज को रिकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने ये सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।